टुन का मतलब होता था हंसी। 45 गाने टुन टुन ने गाए और 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। ओह माय गॉड, स्लीपिंग फैमिली। हे मिस्टर, हे। जो जीवन भर लोगों को हंसाती रही, खुद दर्द के नगमे गाती रही, उनका जीवन बहुत पेचीदगियों और परेशानियों से भरा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने गम को आत्मसात कर लिया। 1980 का दशक आते आते टुनटुन ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। बाद में उनका जीवन बहुत संघर्षों से गुजरा। उन्होंने अपनी इकोनॉमिकल प्लानिंग इस तरह से नहीं की थी। उस दौर के कलाकार बड़े मस्त हुआ करते थे, वो भविष्य की चिंताएं नहीं करते थे, वो वर्तमान में जीते थे। पैसों का संग्रह करना, पैसों को दबा कर रखना, पैसों को इधर उधर इन्वेस्ट करना, ये सब मालूमात उस दौर के कलाकारों को नहीं थी। लिहाजा बहुत से ऐसे कलाकार जिनके हम नाम उंगलियों पर गिना सकते हैं, भगवान दादा, टुनटुन और भी कई कलाकार, अंत में मुफलिसी और बहुत बदहाली से गुजरे। दर्शकों के लिए मनोरंजन का वो मसाला पेश किया कि दर्शक आज भी उनको याद करते हैं। मोटापे का, थुलथुलकाया का, जरा से हास्य और व्यंग्य का कोई भी एक जरिया होता था तो लोग कहते थे टुनटुन। टुनटुन आज इस दुनिया में नहीं है, 80 बरस की उम्र में वो दुनिया छोड़ के चली गई, लेकिन 200 से ज़्यादा फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए दर्शक आज भी उनको याद करते हैं और उनके गाए हुए गीतों को भी याद करते हैं। याद कीजिए वो गाना, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से भागकर, उस जमाने में भागने का रिवाज था। दर्शक बन के पहले कलाकार फिल्में देखते थे और उन फिल्मों का नशा इतना उन पर हावी हो जाता था कि सीधे ट्रेन पकड़ के मुंबई का रुख करते थे। टुनटुन ने भी यही किया। टुनटुन मुंबई पहुंच के नौशाद से मिली और उन्होंने नौशाद को बाकायदा धमकी दी कि अगर आपने मुझे गाने का मौका नहीं दिया तो मैं समुद्र में छलांग लगा दूँगा। ये सुन के नौशाद बहुत हंसे और उन्होंने टुनटुन को गाने का मौका दिया। फिर उसके बाद टुनटुन की शादी हो गई, टुनटुन के बच्चे भी हुए 4। काजी साहब से उनकी शादी हुई, बाद में काजी साहब को पाकिस्तान का मोह, पाकिस्तान खींच के ले गया। टुनटुन तन्हा रह गई मुंबई में और फिर उन्होंने जिंदगी का वो पार्ट टू शुरू किया जो कई कलाकारों ने किया। जैसे हम बात करें किशोर कुमार की, तो किशोर कुमार हास्य कलाकार बन जाने के बाद गायकी के क्षेत्र में आए, टुनटुन के साथ उल्टा हुआ। टुनटुन पहले गायिका थी, बाद में वो हास्य कलाकार बनी। और मित्रों, बताने की जरूरत नहीं है कि एक जमाना था टुनटुन, असित सेन, धुमाल जैसे कलाकारों की जोड़ी ने खूब दर्शकों का मनोरंजन किया, खूब हंसाया। आज भी हम उनको याद करते हैं। वो हंसोड़ नायिका जिनको कॉमेडियन कहा गया, लेकिन वास्तव में वे नायिका शब्द की हकदार थी। याद करें मित्रों, उन्होंने 45 से ज़्यादा फिल्मों में गाने गाए और कई फिल्मों में उन्होंने अच्छे किरदार भी निभाए। बाद में वो स्थूल हो गई शरीर से, थोड़ा मोटी हो गई, तो उनको उसी तरह की भूमिकाएं मिलने लगी, वरना एक ज़माने में टुनटुन खूबसूरत दिखती थी। देखिए फोटो। टुनटुन ने अपनी ज़िंदगी में कई उतार और चढ़ाव देखे। उनका पूरा नाम था उमा देवी खत्री। ये नाम उनको इस रूप में मिला कि जब वे पार्ट 2 में दिलीप कुमार के साथ काम करने की ख्वाहिश लेकर नौशाद साहब से मिली, तो नौशाद साहब ने उनको दिलीप कुमार से मिलवाया और उनकी कद काठी काया देखकर दिलीप कुमार और नौशाद ने कहा कि तुम्हारा नाम बदलना पड़ेगा उमा, तुम्हें हम एक नाम देते हैं टुनटुन। और उस दिन से उनका नाम टुनटुन पड़ा। और मित्रों, ये फिल्म बहुत चली थी, खूब हिट हुई थी। वो दौर ऐसा था मित्रों
कि उस जमाने में जो संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे उनको ट्रेनिंग नहीं मिला करती थी, उनके रियाज पे ही उनका करियर टिका हुआ था। जैसे टुनटुन रेडियो सुन सुनकर, रेडियो पे गाने सुन सुनकर रियाज किया करती थी और वो देखते ही देखते सिंगर भी बन गई। गौर करने वाली बात यह है कि टुनटुन ने उस दौर में 1950 के दशक में फिल्मों में एंट्री ली जब महिलाओं का घर से बाहर काम करना तो छोड़िए, घर से बाहर निकलकर थिएटर में आर्टिस्ट के रूप में काम करना बहुत नीची निगाह से देखा जाता था। और कलाकार को तो नचनिया, नर्तकी और भी न जाने किन किन विशेषणों से परिभाषित किया जाता था और बंदिशें इतनी थी समाज में कि किसी महिला का आगे बढ़ना बहुत मुमकिन था। लेकिन टुनटुन ने उन तमाम पीढ़ियों को तोड़ा और खुद वो संघर्ष करने मुंबई पहुंचे। 45 गाने टुनटुन ने गाए और 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। 1980 का दशक आते आते टुनटुन ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। बाद में उनका जीवन बहुत संघर्षों से गुजरा। उन्होंने अपनी इकोनॉमिकल प्लानिंग इस तरह से नहीं की। उस दौर के कलाकार बड़े मस्त हुआ करते थे, वो भविष्य की चिंताएं नहीं करते थे, वो वर्तमान में जीते थे। पैसों का संग्रह करना, पैसों को दबा कर रखना, पैसों को इधर उधर इन्वेस्ट करना, ये सब मालूमात उस दौर के कलाकारों को नहीं थी। लिहाजा बहुत से ऐसे कलाकार जिनके हम नाम उंगलियों पर गिना सकते हैं, भगवान दादा, टुनटुन और भी कई कलाकार, अंत में मुफलिसी और बहुत बदहाली से गुजरे। पाकिस्तान चले जाने की वजह से टुनटुन की बड़ी मुश्किलें थी। टुनटुन गायकी छोड़कर फिल्मों में भूमिकाएं कैसे करने लगी, इसकी भी कहानी है। दोस्तों, टुनटुन के जब बच्चे हो गए, शादी के बाद का जीवन सेटल हो गया, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं आर्थिक मोर्चे पर वो तकलीफें थीं जो उनके पति के पाकिस्तान चले जाने की वजह से टुनटुन की बड़ी मुश्किलें थीं। लिहाजा फिल्मों में पार्ट टू शुरू करने के लिए टुनटुन ने जब प्रयास किया तो वो दौर ऐसा था जब बड़ी बड़ी गायिकाएं, रियाज करने वाली गायिकाएं और इस फील्ड में बाकायदा शास्त्रीय गायन का प्रशिक्षण लेने वाली महिलाएं, गायिकाएं उभर कर सामने आ गई थी, जिनमें लता मंगेशकर, आशा भोसले और भी कई गायिकाएं, शमशाद बेगम, नूर जहां तो खैर थी ही उस दौर में जो पाकिस्तान चली गई थी। तो टुनटुन ने देखा कि पार्ट टू में उनका गायकी में करियर दोबारा से बन पाना मुश्किल है, तो उन्होंने अपने आप को फिल्मों में भूमिकाओं तक केंद्रित कर दिया। और जाहिर है उनकी कद काठी ऐसी थी कि उनको हास्य की भूमिकाएं मिलने लग गई, उनकी पहली फिल्म हिट हो गई। लेकिन उन्होंने जो नाम कमाया था वो नाम काम की बदौलत कमाया था, उन्होंने दान की चिंता नहीं की। लिहाजा वे अंधेरे में गुम जरूर हो गए लेकिन हमेशा के लिए अपनी चमक बिखेरते हुए। टुनटुन को आप सभी यायावर के दर्शकों की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। बोलना, 100 रुपए की दीवार है हम दोनों के बीच में, तो जुम्मन तोड़ दे इस दीवार को और ये ले 100 रुपए दिलवाले शादी का जोड़ा।